Hello students, good morning, welcome to Essay online classes. Students, today's our topic is application to attend the marriage of my sister. So students, included this topic, today we are going to read and note on an application to attend the marriage of my sister in our fair English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please press special, attend in your class and listen to my words clearly. Let's see this application to attend the marriage of my sister. Application, it's in Pratnapathru. टू इट्स मीन सेवा में दी प्रिंसिपल इट्स मीन प्रधानाचार्य जी या प्रधानाचार्य जी सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल चौबेपुर कानपुर नगर सब्जेक्ट इट्स मीन विषय दैरिज ऑफ माई सिस्टर शामिल होने के लिए दी मैरिज इट्स मिन शादी ऑफ इट्स मिन की माई इट्स मिन मेरी सिस्टर इट्स मिन बहन अवर सब्जेक्ट इज टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर हमारा विषय है मेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए क्लियर रिस्पेक्टेड मैम रिस्पेक्टेड इट्स मीन सम्माननीय मैम इट्स मिन मोहड Respected ma'am, it means Samanini Maudhya. I am a student of class 4 and I want to request you to grant me leave for 5 days from 11 12 21 it means 11 December 2021 to 16 12 21 it means 16 December 2021 as I have to go to nani tal to attend my sister's marriage. Okay, students, you can write down here first, second, third, or fifth class. In which class do you study? आप जिस क्लास में स्टडी करते हैं जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं आपको यहाँ पे वो क्लास राइट डाउन करनी ओके okay, जैसे मैंने फोर्थ राइड किया है वैसे यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फिफ्थ राइट डाउन कर सकते हैं क्लियर आई इट्स मीन मैं आई एम इट्स बीन हूँ ए इट्स मीन एक स्टूडेंट इट्स मीन छात्र या छात्रा ऑफ इट्स बीन की क्लास इट्स मीन कक्षा फोर्थ ओके आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ इट्स मीन मैं कक्षा चार का छात्र हूँ और वी कैन से आल्सो दैट मैं कक्षा चार की छात्रा हूँ एंड इट्स मीन और आई इट्स मीन मैं वन टू इट्स मीन चाहता हूँ या चाहती हूँ रिक्वेस्ट इट्स मीन विनती करना प्रार्थना करना या अनुरोध करना आर क्यू यू ई एस टी ओके यू इट्स मीन आपसे टू ग्रांट स्टूडेंट्स हेयर द मीनिंग ऑफ ग्रांट जी आर ई एन टी ग्रांट होता है प्रदान करना या देना मी इट्स मीन मुझे लीव एल ई ए वी लीव इट्स मीन अवकाश या छुट्टी फॉर फाइव डेज इट्स मीन पांच छह दिनों के लिए फ्राम इट्स मीन से इलेवन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इट्स मीन ग्यारह दिसंबर दो हजार इक्कीस टू इट्स मीन तक सिक्सटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इट्स मीन सोलह दिसंबर दो हजार इक्कीस एज इट्स मीन क्यू की आई हैव टू गो टू नैनीताल इट्स मीन की मुझे नैनीताल जाना है टू अटेंड इट्स मीन शामिल होने के लिए माई सिस्टर्स मैरिज इट्स मीन मेरी बहन की शादी ओके okay. स्टूडेंट्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर फाइव डेज फ्रॉम 11 दिसंबर 2021 टू 16 दिसंबर 2021, थाउजेंड ट्वेंटी आई हैव टू गो टू नैनी ताल टू अटेंड माय सिस्टर्स मैरी ओके इट्स मीन मैं कक्षा चार की छात्रा हूँ और मैं आपसे पाँच दिनों के लिए ग्यारह दिसंबर 2021 से सोलह दिसंबर 2021 तक अवकाश प्रदान करने का अनुरोध करती हूँ ओके okay. और वी कैन से आल्सो दैट कि मैं कक्षा चार का छात्र हूँ और मैं आ, मैं आपसे पाँच दिनों के लिए ग्यारह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस से सोलह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस तक अवकाश या छुट्टी प्रदान करने के लिए विनती करता हूँ ओके okay. क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए नैनीताल जाना है क्लियर लेट्स नेक्स्ट आई विल कम्प्लीट माई वर्क एज सुन एज आई कैन होम वर्क एंड क्लास वर्क ओके आई इट्स मिन माई विल कम्प्लीट इट्स मिन पूरा कर लूंगा या पूरा कर लूँगी माई इट्स मीन मेरा वर्क इट्स मीन कार्य एज सुन एज इट्स मीन जितनी जल्दी से जल्दी ओके आई कैन इट्स मीन मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ एज सुन एज आई कैन इट्स मीन जितनी जल्दी से जल्दी मैं कर सकता हूँ और वी कैन से आल्सो डैट जितनी जल्दी से जल्दी मैं कर सकती हूँ ओके okay. होमवर्क इट्स बिन ग्रह कार्य एंड इट्स बिन और क्लास वर्क इट्स बिन कच्छा कार्य आई विल my work वर्क एज as एज आई कैन होमवर्क एंड क्लास वर्क ओके तो वर्क इंक्लूडेड आपके दोनों work आ जाएंगे होमवर्क एंड क्लास वर्क ग्रह कार्य और कच्छा कार्य ओके इट्स मीन कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी अपना कार्य ग्रह और और कच्चा कार्य पूरा कर सकता हूँ या पूरा कर सकती हूँ उतनी जल्दी से जल्दी मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा या पूरा कर लूँगी ओके आई विल मेक श्योर दैट माई वर्क इन द नोट बुक मस्ट बी कम्प्लीट ओके आई विल मेक स्योर इट्स मीन की मुझे यकीन है माई वर्क इट्स मीन मेरा कार्य इन द नोट बुक इट्स मीन उत्तर पुस्तिका में मस्ट बी कम्प्लीट इट्स मीन पूरा हो जाएगा ओके आई विल मेक स्योर दैट माई वर्क इन द नोट बुक मस्ट बी कम्प्लीट इट्स मीन की मुझे यकीन है कि मेरा कार्य उत्तर पुस्तिका में पूरा हो जाएगा ओके क्लियर लेट्स नेक्स्ट मैम काइंडली ग्रांट में लीव फॉर फाइव डेज ऑनली मैम इट्स विन मोहोद्या काइंडली इट्स मीन दयालुता से ग्रांट इट्स मीन प्रदान करी या दे ओके मी इट्स मीन मुझे लीव इट्स मीन अवकाश या छुट्टी फॉर फाइव डेज इट्स मीन पाँच दिनों के लिए ओनली इट्स मीन केवल मैम काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर फाइव डेज ओनली ओके इट्स मीन महोदया मुझे केवल पाँच दिनों के लिए अवकाश प्रदान करे ओके या और वी कैन सेल्सो देट की महोदया मुझे केवल पाँच दिनों के लिए छुट्टी दे ओके आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू आई इट्स मीन मैं विल बी इट्स मीन रहूँगा या रहूँगी वेरी इट्स मीन बहुत ग्रेटफुल जी आर ए टी एफ यू ग्रेटफुल इट्स मीन कृतज्ञ या आभारी ओके टू यू इट्स मीन आपकी आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इट्स मीन कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा या मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी ओके okay. या कृतघ्न रहूँगा या कृतज्ञ रहूँगी क्लियर ग्रेटफुल मीस होता है आभारी या कृतज्ञ या एहसानमंद ओके थैंकिंग यू इट्स मीन आपका धन्यवाद थैंकिंग थैंक्यूंगीस धन्यवाद यू मीस आपका थैंकिंग यू इट्स मीन आपका धन्यवाद यूर्स इट्स मिन आपका ओबीडेंटली इट्स मिन आज्ञाकारी योर ओबीडेंटली इट्स मीन आपका आज्ञाकारी ओके एंड स्ट्रेंड्स आफ्टर इट राइट ऑन योर नेम क्लास रोल नंबर एंड डेट ओके इसके बाद आपको अपना नेम क्लास और रोल नंबर राइट ऑन करना है एंड मेंशन डेट ओके एंड मेंशन टू डेज डेट आज की डेट मेंशन करना है आई मीन टू सेट कि जिस दिन आप ये एप्लीकेशन अपनी प्रिंसिपल को देंगे ना उस दिन की डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है क्लियर स्ट्रेंड्स आफ्टर इट पेरेंट्स साइन ओके आपकी मदर और फादर का साइन होगा लास्ट में ओके मम्मी या पापा का साइन कराना है क्लियर सो स्ट्रेंड्स वी हैव रीड दिस एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर इन अवर टू डेज क्लास एंड स्ट्रेंड्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एप्लीकेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर

और uh, सिस्टर की मैरिज पे जो एप्लीकेशन है इसे आपको अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे राइड ऑन करना है अच्छी अच्छी से राइटिंग में और राइटिंग का मैनर यह है कि फर्स्टली मेंशन डेट सी डब्ल्यू इन योर नोटबुक ओके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे आपको सबसे पहले डेट सी डब्ल्यू मैंशन करना है एंड आफ्टर इट मैंशन रिविज़न वर्क ओके एंड देन मेन्शन हैडिंग एप्लीकेशन एंड लास्ट राइड ऑन दिस एप्लीकेशन ओके इसके बाद आपको यह अपल्केशन राइड ऑन करनी है अच्छी अच्छी से राइटिंग में और मुझे अपना वर्क सेंड करना है ये आपका क्लास वर्क है एंड स्टेंड्स आपका होमवर्क है कि आपको यह अपलीकेशन सिस्टर की मैरेज में जो अपलीकेशन है इसे अपनी फेर इंग्लिस लैंग्वेज की नोटबुक से लैंड करना है क्लियर सो ऑल स्ट्रेंट्स फर्स्टली कंप्लीट योर क्लास वर्क नोट ऑन दिस एप्लीकेशन टू अटें द मेरेज ऑफ माई सिस्टर इन योर फेर इंग्लिस लैंग्वेज नोट बुक विद योर बेस्ट एंड राइटिंग एंड सेंड योर वर्क यियर थैंक यू